फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुहेल दलाल फ्रॉम डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा सूरत गुजरात। और आज आपके सामने यहाँ पे मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी तकलीफ है जिससे बहुत सारे लोग, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10 में से एक आदमी को यह तकलीफ होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलर्जी की, सर्दी, बार बार छींके आना, सर्दी हो जाना। सही बात है मेरी? आप सब लोग जानते हैं कि काफी सारे लोग हमारे हर एक की फैमिली में अगर हम देखने जाए तो सबकी फैमिली में से एक पर्सन तो ऐसा होगा कि जिसको एलर्जी की सर्दी का प्रॉब्लम होगा। अब हम जब इस प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ दवाइयां दे देते हैं। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टाइम में ठीक हो जाता है, कुछ लोग सालों साल ये प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में एलर्जी की सर्दी का इलाज मौजूद है। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि एलर्जी की जो सर्दी है वो कैसे होती है और आयुर्वेद में उसके क्या उपाय है और आयुर्वेद से ये कैसे ठीक हो सकती है। उसके अलावा आपको एक पेशेंट से भी मिलवाएंगे कि जिन्होंने अपना ये सालों पुराना रोग आयुर्वेद के माध्यम से कुछ ही महीनों में बिल्कुल ठीक कर लिया। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज का मेरा टॉपिक आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं एलर्जी की सर्दी। एलर्जी की सर्दी को हम साइनोसाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस भी कह सकते हैं। साइनोसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में राइनो साइनोसाइटिस, मतलब दोनों मिक्स देखा जाता है। आयुर्वेद में इस रोग को पीनस और प्रतिशय रोग के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये रोग कैसे होता है। जनरली हमारे फेस पे, यहाँ पे फ्रंटल में दो साइनस बोन है, यहाँ पे दो इथमोइडल साइनस है और यहाँ पे दो मैक्सिलरी साइनस है। ये जो पेयर है साइनसिस की, ये साइनस का काम क्या है, ये सॉफ्ट छिद्र वाले बोन होते हैं जिसमें से म्यूकस यानी कि चिकनाहट का सिक्रीशन होता रहता है, स्त्राव होता रहता है। वो चिकने पदार्थ का स्त्राव नाक में होता है, वो चिकना पदार्थ हमारी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर चिपका हुआ होता है। हम जो भी सांस लेते हैं उसमें से जो भी डस्ट हमारे अंदर जाती है वो वहां पे चिपक जाती है। जनरली ये काम हमारे साइनस का होता है, लेकिन साइनस की प्रक्रिया में अगर उसकी नॉर्मल प्रोसेस में अगर कोई विच्छेद आ जाता है, कोई उसकी प्रोसेस में इंटरप्शन आ जाता है, तो साइनस की जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाती है। तो वहां से जो स्त्राव हो रहा है वो स्त्राव होता नहीं है, क्योंकि सूजन की वजह से वो अंदर ब्लॉक हो जाता है, मतलब साइनस ब्लॉक हो जाते हैं, कफ अंदर साइनस में जमा हो जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब ये होता क्यों है ये जानना बहुत जरूरी, क्या कारण है। सबसे पहला कारण, एलर्जी की सर्दी होने का सबसे पहला जो कारण है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वातावरण में जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, बैक्टीरिया घूमते हैं, वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बार बार लगने की वजह से। दूसरा कारण है वायरल इन्फेक्शन। तीसरा कारण है फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया, वायरस और फंगल का बार बार इन्फेक्शन लगने की वजह से साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है और साइनोसाइटिस होता है। साइनोसाइटिस होने की वजह से अंदर सूजन आ जाती है, कफ जमा होने लगता है। और एक कारण अगर हम देखने जाए, ये बहुत बड़ा कारण है, आजकल हम देखने जाए तो ये कारण सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसका जो कारण है एलर्जी। हम बार बार सुनते हैं कि हमें एलर्जी हो गई। ये एलर्जी कैसे होती है और ये एलर्जी है क्या, वो आज मैं आपको बताऊंगा। एलर्जी कैसे होती है, जनरली हमारे शरीर का मैकेनिज्म है कि जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में, एंटीजन मतलब फॉरेन बॉडी, बाहर की कोई भी चीज, जैसे कि पोलेंस है, पोलेंस मतलब फूलों की परागरज, फिर एलर्जी के डस्ट है, ये कोई भी चीज या बैक्टीरिया कुछ भी अगर हमारे नाक से अंदर जाता है तो हमारी एंटीबॉडीज जो है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी पैदा करता है और वो बैक्टीरिया या फंगस जो भी है उसको खत्म करता है। लेकिन जब पोलेंस अंदर जाते हैं या कोई डस्ट जाती है तो हमारे शरीर का दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी जब हमारे एंटीबॉडीज उस चीज को पहचान नहीं सकते और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो अटैक करने की वजह से हमारे अंदर हिस्टामाइन सेल्स पैदा होते हैं और ये हिस्टामाइन्स जब पैदा होते हैं तो नाक की अंदर की त्वचा में सूजन आ जाती है, और नाक की अंदर की त्वचा में सूजन आने की वजह से नोज ब्लॉक हो जाता है और पतले पानी जैसा स्त्राव होने लगता है। इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं और ये चीज बहुत ही कॉमनली लोगों में देखी जाती है। तो ये एलर्जी की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होती है। अगर साइनोसाइटिस का और एक कारण देखने जाए तो पुअर इम्यूनिटी। पुअर इम्यूनिटी मतलब
हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें कमी होना, वो वीक होना, पुअर इम्यूनिटी जनरली जिन लोगों को कोई ना कोई रोग एसोसिएटेड होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिसीज हो गए, या किडनी या लंग्स के कोई भी डिसीज हो गए, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जनरली पुअर होती है। एड्स पेशेंट्स हैं, एचआईवी पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी पुअर होती है, और पुअर इम्यूनिटी की वजह से भी बार बार बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन लगने की वजह से हमारे एंटीबॉडी या हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो बाहर से हुए अटैक को झेल सके और उसका सामना कर सके, इसीलिए बार बार उनको पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर पेशेंट्स को राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। जी हाँ, एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस में कॉमनली सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसमें उसको नाक में से पानी का डिस्चार्ज होना और नाक बंद हो जाना ये देखा जाता है। अगर साइनोसाइटिस भी साथ में है तो हेडेक होता है, ऊपर से ऐसे झुक के नीचे देखेंगे तो ये फ्रंट में और यहाँ पे पेन होता है क्योंकि साइनस में कफ जमा हो गया हुआ है। उसके अलावा हेडेक होना, सर दर्द होना, काफी लंबे समय से अगर साइनोसाइटिस या राइनाइटिस है तो सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना, कुछ कुछ लोगों में सुनने की शक्ति में भी प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि नाक और कान जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है, अगर बीच में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उसकी वजह से कान में सुनाई देने में भी तकलीफ होती है। पेशेंट्स को सुबह में उठ के बहुत सारी, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में 10-10, 20-20 छींके एक साथ आती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम से छींके आना, नाक बंद हो जाना, उसके अलावा सर दर्द होना, एक्यूट कंडीशन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर आता है। उसके अलावा हम देखने जाए तो कुछ पेशेंट्स को नाक में क्रॉलिंग मूवमेंट, मतलब चींटी चल रही है ऐसे चलने जैसी मूवमेंट फील होती है, नाक में और आंखों में खुजली आना, नाक में से और आंखों में से डिस्चार्ज होना, आंख में बार बार खुजली आती है, नाक में भी बार बार खुजली आती है, ये सारे लक्षण जो है वो साइनोसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स में जनरली देखे जाते हैं। अब हम अगर बात करें, अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो एलोपैथी में उसकी कुछ दवाइयां हैं जैसे एंटी एलर्जिक और स्टीरोइड्स, ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो आपको दी जाएंगी और आपको इस रोग के साथ, और नाक में डालने का स्प्रे दिया जाएगा जिससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिल सकती है। जिन लोगों को एक्यूट साइनोसाइटिस है या एक्यूट एलर्जिक राइनाइटिस है, एक्यूट मतलब कि कभी कभार होने वाला या सीजन चेंज होने पे होने वाला, तो वो उनको उससे आराम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरे साल ये तकलीफ चलती रहती है, तो उन लोगों के लिए आयुर्वेद के द्वार खुले हुए हैं। आयुर्वेद में इसको पीनस और प्रतिशय रोग के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में पीनस और प्रतिशय होने के जो कारण देखे गए हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है वो अजीर्ण है, मतलब डाइजेशन खराब होना, ये एक कारण बहुत बड़ा है। दूसरा, जो लोग बहुत लेट नाइट तक जागते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, दिन में सो जाते हैं, या तो मीठा खट्टा, ये स्वाद, ठंडी चीजें, मीठी चीजें, खट्टी चीजें, इनका बहुत अत्यधिक सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को भी शरीर में कफ और वायु की वृद्धि ज्यादा होने की वजह से भी एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस होने की संभावना होती है। अब अगर हम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के बारे में देखने जाए, अगर कोई पेशेंट आयुर्वेद के द्वार पे एलर्जिक राइनाइटिस का रोग लेके आता है तो सबसे पहला, सबसे बड़ा जो इसका, जो सबसे बेहतरीन औषधि है वो है सौंठ। सौंठ कफ और वायु दोनों की दवा है और इम्यूनिटी को बूस्ट भी करती है, तो आप सौंठ का सेवन कर सकते हैं। सौंठ और गुड़ को थोड़ा सा घी लेके उसके साथ मिक्स करके गर्म करके उसकी गोली बना के दो दो गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरी दवाई हमारे किचन में मिल जाएगी, हल्दी। हल्दी भी कफ और वायु की दवा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, हिस्टामिन सेल्स जो है उसका सिक्रीशन अटकाएगी और एलर्जी का नाश कर देगी, तो आप हल्दी को भी ले सकते हैं। हल्दी और सौंठ दोनों को मिक्स करके उसकी गोली बना के भी ले सकते हैं। और रही बात इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गिलोय का नाम आपने सुना होगा, संशमनी वटी के नाम से भी मिलती है और गिलोय घनवटी भी मिलती है। ये गिलोय का सेवन आप सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम दो दो गोली के स्वरूप में, या तो अगर पाउडर फॉर्म में लेना चाहें तो एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो इम्यूनिटी और कफ वायु इसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आयुर्वेदिक औषधि के बारे में आपको बताऊं तो एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि का नाम मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण को शहद के साथ मिक्स करके सुबह और शाम चाटने से जिसको सालों साल पुराना एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है उस पेशेंट को भी कुछ ही महीनों में
ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको परहेज का पालन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको मीठा खाना, खट्टा और ठंडा, ये आपको बंद करना पड़ेगा। उसके अलावा पंचकर्म ट्रीटमेंट में भी आप नस्य चिकित्सा को रेगुलर करने से, षडबिंदु तेल का रेगुलर नस्य करने से भी आप साइनोसाइटिस के रोग से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस ये बहुत बड़े रोग है, ये इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, लेकिन इसको ज्यादा देर तक बॉडी में अगर ये रोग रह जाए तो कान की सुनने की समस्या, आंखों के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, आंखों में विजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसके अलावा आपको ब्रिथलेसनेस, अस्थमा का रोग भी आगे जाके होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये रोग को आप आयुर्वेद के माध्यम से 100% क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जरूर बताइएगा आपको हमारे आज का वीडियो कैसा लगा, और मेरी बात खत्म होने के बाद आपको एक पेशेंट का इंटरव्यू दिखाएंगे कि जिन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से अपने एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक किया। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम पिंटू मिस्त्री है और मेरे को बरसों पुरानी सर्दी और छींक की एलर्जी है। इसके लिए मैंने कितने सारे डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी मेरे ये सर्दी और छींक के इलाज नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने होम्योपैथिक और ये एलोपैथिक दोनों ही दवाई की, 2-3 साल तक की है दवा मैंने, कुछ फर्क नहीं हो रहा था। फिर किसी ने मेरे को ये संजीवनी हॉस्पिटल डॉक्टर दलाल का मुझे रेफरेंस दिया आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि इतने सारे डॉक्टर को दिखाया है तो एक बार ट्राई कर लूं। तो 6 महीने से मैं दवाई ले रहा हूं और पहले महीने से मेरे को फर्क होने लगा, तो मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू किया। आज 6 महीने में मेरे को ये सर्दी और छींक की बीमारी टोटली खत्म हो गई है।